अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तालिबीन इकराम, मकतब कुव्वतुल इस्लाम चैनल में आप हज़रात का इस्तकबाल है। इससे पहले आपने तख्ती नंबर 25 सबक नंबर 2 पढ़ा है, हुरूफ़े ज़ायदा। अब हमारा सबक नंबर 3 है। इसमें एक जुमला है, बिक्सा लिस्मु। देखिए लिखा किस तरह गया है, ये तो हमारा लिखने का तरीका है, बिक्सा लिस्मु। लेकिन ये भी अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा, ये भी अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा, ये लाम को डायरेक्ट काय में मिलाया जा रहा, सीन में मिलाया जा रहा। इस तरह पढ़ेगी लिस्मु, लिस्मु पढ़ेगी। अक्सर क्या होती, गलतियां होती है, बिसल लिस्मु पढ़ दिया जाता है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, बिसल लिस्मु। इस तरह जो है सबक के अंदर आप समझेंगे। Yeah।
यानी है लिखने का तरीका। हाँ, कुरान पाक में बहुत सी जगह अलिफ वाव या ये इनको कौन से हुरूफ कहते हैं? हुरूफे ज़ायदा कहते हैं। ठीक है, इधर देखो, ये ऊपर लिखने का तरीका है और नीचे पढ़ने का तरीका आपको माशाल्लाह मालूम है। ठीक है, अब बताओ ये वाव के बाद क्या है? अलिफ ज़ायदा। अलिफ ज़ायदा है, क्या है? अलिफ ज़ायदा। आ जाएगा क्या? जी नहीं। अच्छा, ये लाम के बाद क्या है? अलिफ ज़ायदा। अलिफ ज़ायदा पढ़ा जाएगा? जी नहीं। अच्छा चलो, ये वाव के बाद क्या है? अलिफ ज़ायदा पढ़ा जाएगा? जी नहीं। चलो, ये वाव के बाद क्या है? अलिफ ज़ायदा पढ़ा जाएगा? जी नहीं। ये लाम के बाद क्या है बच्चों? अलिफ ज़ायदा पढ़ा जाएगा? जी नहीं। ये लाम के बाद क्या है बच्चों? अलिफ ज़ायदा पढ़ा जाएगा? जी नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज बताता मैं, ये अलिफ लिखे हुआ है, ये पढ़ा जाएगा? जी नहीं। ये भी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपके समझ में आ गया। अब और एक कायदा पूछता मैं आपको, ये बामे क्या होगा? माशाल्लाह, बहुत सही। ये भी बामे क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे तन्वीन नून साकिन का कौन सा कायदा होगा? माशाल्लाह, बहुत सही बोल रहे आप। यहाँ राय साकिना कैसी होगी? माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ मीम साकिन का कौन सा कायदा होगा? किनारे शफावी। ठीक है, अब मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लो सिर्फ। ठीक है, इस तरह आपको याद करके लाना है। ठीक है, माशाल्लाह, आपको सब आ रहा पड़ गया।